सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विस ब्यूटी के प्रोफेशनल फेस एंड आई ब्रश सेट के बारे में। तो ये जो ब्रश सेट है वो किस प्राइस में मुझे मिला है और एक्चुअल में इसका जनरल रिव्यू क्या है, आज की इस वीडियो में वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए, और इसी तरीके के प्रोडक्ट से जनरल रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूसरे प्रोडक्ट से रिव्यूज भी मिल जाएंगे, तो आप एक बार उनको भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो ये जो स्विस ब्यूटी का ब्रश सेट है ये कुछ इस तरीके की प्यारी सी पैकेजिंग में आपको मिलता है। इसमें टोटल 6 ब्रशेस आपको जो है मिलते हैं, तो 6 ब्रश सेट है ये। तो चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक ब्रश के बारे में इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। तो अगर आप बिगनर हो तो बिगनर्स के लिए तो ये काफी अच्छा है, क्योंकि आपको पता रहेगा फिर भी आपको कौन सा ब्रश कैसे यूज करना है, ठीक है। तो पहला ब्रश आपके सामने है ये रहा, और ये है आपका कॉम्पैक्ट ब्रश। तो इसका जो ऊपर से ब्रश है ना, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। जब आप इसको परचेज करेंगे देखेंगे ना यूज करके, तो बहुत ज्यादा आपको सॉफ्ट फील होगा ये। और ये रहा एकदम वेलवेटी सा इसका जो है टेक्सचर है, बिल्कुल भी चुभता नहीं है। आप एकदम फील कर पाएंगे कि कितना ज्यादा क्रीमी और वेलवेटी सा ये लगता है। तो कॉम्पैक्ट ब्रश तो है ही है, लेकिन आप इसको एज अ कॉन्टोर ब्रश, एज अ यू नो ब्लशर ब्रश, आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। तो एक ब्रश आपके कई काम आ जाता है इस तरीके से। रहा यह फाउंडेशन ब्लेंडर ब्रश है ये, ठीक है। तो ये फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है ना ऊपर से इतना ज्यादा क्रीमी एंड वेलवेटी है गाइस, बिलीव मी बहुत ज्यादा एकदम वेलवेटी है। चुभता आपको बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ये, और स्किन पर बिल्कुल भी चुभता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका जो माइनस पॉइंट है वो थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हो तो उसको आप डैम करके यूज करते हो, तो उसमें सोक कम होता है आपका जो फाउंडेशन है। लेकिन अगर आप जो है ब्रश यूज कर रहे हो तो आपको पता है कि ब्रश एकदम से यू नो ड्राई होते हैं, तो ये थोड़ा सोक ज्यादा करते हैं, तो आपको ट्वाइस यूज करना पड़ सकता है अपने फाउंडेशन को। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा फील करते हो, बट हाँ अच्छे से ब्लेंड कर देता है। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी इसमें लगी कि मान लो आपको लग रहा है कि ब्रशेज है ये, ठीक है, तो हो सकता है आपको फील हो रहा हो कि लाइंस आपके फाउंडेशन पे पड़ जाएगी जब आप उसको अप्लाई करोगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। एकदम इंस्टेंटली ये अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देता है बिना किसी लाइंस के, है ना। तो अच्छे से ब्लेंड कर देता है और काफी अच्छा मुझे पर्सनली लगा। इसके बाद आपके ये 4 ब्रशेज हैं, चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है आपका ये रहा, ये है आपका आई शेडो ब्लेंडर ब्रश। तो इससे आप अपने आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, और ये भी काफी सॉफ्ट है और आपको चुभता तो बिल्कुल भी नहीं है। ये है आपका आई शेडो एप्लीकेटर ब्रश। तो ये रहा, ये कुछ इस तरीके से है, हल्का सा फ्लैट है ये, आप अच्छे से आप अपनी आई शेडो अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपका है ये कंसीलर ब्रश, जिससे आप जो है अपना कंसीलर अप्लाई कर सकते हो आराम से। तो ये भी आपका काफी ज्यादा सॉफ्ट है, और यहाँ से कुछ इस तरीके से है ये। इसके बाद आपका है ये हाइलाइटिंग एंड लैश ब्रश। तो ये रहा, इससे आप हाईलाइट कर सकते हैं, और ये आपका लैश ब्रश है, देख लें। तो इस तरीके से टोटल 6 ब्रशेस का सेट है ये, काफी अच्छा मुझे लगा है। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये मुझे, मैंने इसको ऑफलाइन परचेज किया है, मतलब मार्केट से जाकर के परचेज किया है। और इस पर जो अगर हम प्राइस की बात करें तो लिखा हुआ मैं आपको दिखा देती हूँ, प्राइस इस पर लिखा हुआ है आपका 1299 रुपए, यानी लगभग 1300 रुपए इस पर लिखे हुए हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये पड़ा है 1100 समथिंग का, वो भी बार्गेनिंग करने के बाद। तो इससे ज्यादा छूट उन्होंने मुझे नहीं दी, 1100 रुपए का मुझे ये पड़ा है मार्केट से। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, उस पर जो है अच्छा खासा अभी फिलहाल डिस्काउंट चल रहा है। तो आई होप आपको इसका रिव्यू पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। बिगनर्स के लिए स्पेशली ये काफी अच्छा है, और अगर आप पुराने ब्रशेस से बोर हो चुके हो तो डेफिनेटली आप इसको एक ट्राई दे सकते हैं, और मुझे काफी अच्छा लगा है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हो तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कॉमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।